हेलो गाइस, राम राम, वेलकम टू बैक माय चैनल सन्नियम बावता ब्लॉग। सभी भाई मेरे खुश होंगे। तो भाइयों, जैसा कि आज मैं फरीदाबाद 28 सेक्टर आया हूँ, यहाँ पे सीबिया रेस्टोरेंट है। अभी मैं पहुँच गया हूँ अपनी पूरी फैमिली को डिनर के साथ। ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है। ये सामने ये रेस्टोरेंट है, किचन एरिया है, और ये पूरा इनका बैठने का है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर सिटिंग भी है और अंदर भी, और बर्थडे पार्टी का जैसे करना हो पूरा 50-100 लोगों का, वो भी है। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है भाइयों। मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये हम अपना दो गाड़ी में आए हैं, एक ब्रीज़ा है, एक स्कॉर्पियो है। पूरी फैमिली को लेके आए हैं आज साथ में। ये है भाइयों सीबिया रेस्टोरेंट। पूरे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरा भरा है। ये बाहर का एरिया है, और दिखाता हूँ। ये बाहर इधर हाईवे से एंट्री है, फरीदाबाद 28 सेक्टर के पास है ये। अब मैं आपको अंदर चलता हूँ। ये इनका किचन एरिया है सारा अंदर, और जो बैठने का है वो इधर। ये देखो कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने। ये पूरी फैमिली के साथ आज डिनर बाहर करने आए हैं। इधर थोड़ा एरिया है, उधर भी है। तो ये पूरा जो है हमने एक साथ मिलवा लिए हैं, चार टेबल एक साथ मिलवाई है। हाँ दवा, हाँ हाँ बोल दो, जो भी ऑर्डर बोलना। तो ये भाइयों अंदर का है, जैसे बर्थडे हो, ये पूरा एक अंदर का एरिया है। इसमें सभी चीज है। ये राउंड टेबल, यहाँ बैठिए, अपना आराम से खाइए पिए। ये इधर डीजे है, और ये बूफे सिस्टम है। 50-100 आदमी की गैदरिंग होती है तो इधर ये पूरा इसमें लगा देते हैं, जो जो अपना मेन्यू होता है इनमें खाना लग जाता है। इधर प्लेट वगैरह, सैलेड वगैरह। ये डीजे है इनका, अपना डीजे है द सीबिया। इसमें 170-180 आदमी की गैदरिंग आराम से हो जाएगी। डीजे, और ये पूरा बड़ा हॉल है। इधर खाना हो गया कोने में, इधर अपना पार्टी चलती रहे। ये बढ़िया साइड में एकदम बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने। और खाना तो इनका इतना लाजवाब है भाइयों, आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। मैं पहले भी एक दो बार यहाँ पे आ चुका हूँ, आज पूरी फैमिली को लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया खाना है। और भाइयों इसकी टाइमिंग जो मैं बता दूँ आपको, दिन का नहीं है ये, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक टाइमिंग है। ये दिन में क्लोज रहता है, और शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। ये अंदर का एरिया है, ये बाहर का है। वाकई में बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने ग्रीनरी के साथ, चारों तरफ गमले वमले, पेड़ ऊपर भी है। देखो कितना अच्छा है, लाइटिंग वाइटिंग करके। ये खाना इससे भी अच्छा है, जितना ये देखने में सुंदर है ना, उससे ज़्यादा इनका खाना वेरी गुड क्वालिटी का, बिल्कुल टेस्टी है एकदम, बहुत बढ़िया। तो भाई अभी अपना जो जो ऑर्डर करा है, मंगाया है, अभी दिखाते हैं, मिलते हैं दोस्तों। तो भाई ये मोमोज, पनीर मोमोज, और ये अपना यहाँ चाप, मलाई चाप। इधर भी मलाई चाप और मोमोज, और अभी और भी आ रहे हैं 4-5 आइटम। सब चल रहा है टेबल पे। चलो भाई, चलो करते रहो, स्टार्ट लेते रहो सब। तो भाई अपना स्टार्टर तो हो गया है, बहुत अच्छा स्टार्टर था।
अब मेन कोर्स की तैयारी है, ऑर्डर दे दिया है, अभी जैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया था सारा, अभी सब स्टार्टर लेके बैठे हुए हैं सब। अब मेन कोर्स की तैयारी है थोड़ी देर में, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये भाइयों अपने मेन कोर्स की तैयारी है, ये आ गई है, लच्छा पराठा है, मिस्सी है, ये पनीर दो प्याजा है, ये इसमें नान है और तंदूरी रोटियां हैं, ये शाही पनीर है, ये तवा रोटी और ये तवा चाप मसाला। बस अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलो भाई करो स्टार्ट, डालो 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 सब अपना डालो 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 अपना अपना डालो सब डालो खाना अपना अपना सब, और आगे आगे सर्व करते रहो, अपना डाल के आगे सर्व करते रहो सबके लिए। चलो भाई चलो दाल ये डालो, हम दाल दे दिए, दबा के पाड़ो। हाँ जी सेठ जी खींच दो मीटर को दबा के, दिक्कत ना होनी चाहिए कोई है। ले ले बेसन की रोटी दे दी, बेसन चलो भाई डिनर करते हैं, फिर आपको डिनर का एक्सपीरियंस वो देते हैं कैसा है खाना सब कुछ जो भी है। स्टार्टर तो बहुत लाजवाब था, अब इनका मेन कोर्स और एक बार हो जाए। ये सिरके वाली प्याज चटनी और सिरके वाली प्याज डाल पीरियो। चलो तो भाइयों मैं डिनर कर लूँ फिर बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस है खाने का। तो भाइयों खाना अपना हो गया है, बहुत टेस्टी खाना था, लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया, बस एक दो रोटी ये बच गई, पर बहुत टेस्टी खाना था फिर भी। तो भाइयों हो गया अपना डिनर, चलते हैं। ओके गाइस।